अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। आइए बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ख़बर की तरफ। 24 घंटे हो गए पर पुलिस ने अभी तक मुजरिमों को नहीं पकड़ा है। हुसैन नगर की ए फातिमा, जिनकी लाश बीसी कॉलेज के पास एक तालाब में मिली, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की इतला नहीं मिली है। बहुत सारे इंतजामिया जैसे कांग्रेस और दूसरे इंतजामिया ने मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। आसनसोल के नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस के SM मुस्तफ़ा ने भी मुजरिम को खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। आसनसोल के बीसी कॉलेज के पास फातिमा वर्ग एक लड़की की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, उसको मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है, अपील है कि उनके कातिलों को जल्द से जल्द पहुँचे और उसके कातिलों को उसके अंजाम तक पहुँचाए, ताकि भगवान उसके आत्मा को शांति दे, उसको रूह को शांति मिले और उसके मुजरिमों को उसके अंजाम तक पहुँचे। जय हिंद। इस मामले में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वोमेन एसोसिएशन के सेक्रेटरिएट मेंबर मिराई दास ने भी अपना तबसरा दिया। सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति पश्चिम बर्धमान जिला कमिटी सम्पादिका मंडल सदस्य नाम मैत्री दास। संगठन जिला कमिटर तरफे एक विशेष विषय दाबी उत्थापित करछि। सेई दाबीटी हलो एरकम, आसनसोल हीरापुर संलग्न फतेहपुरे आलतामा फातेमा नामक जे अल्प बयसी मेयेटी अत्यंत निष्ठुरभावे अत्यंत पैशाचिकभावे जे हत्या हयेछे, आमरा सेई हत्याकाण्डेर यथोपयुक्त तदन्त दाबी करछि। आमरा दाबी करछि सेई तदन्तेर परे जारा प्रमाणित हबे যে যারা এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে, আমরা তাদের আইনি শাস্তি আমরা দাবি করছি আমাদের সংগঠনে। ধন্যবাদ। আইয়ে শুনতে হ্যাঁ সাবেরা খাতুন নে কি কহা। হ্যালো, হ্যাঁ দিদি নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার জি। আমরে সওয়াল আপনে পুছ রহে হ্যায় এক ইয়া দো মিনিট মে জবাব দিজিয়ে। হ্যাঁ বলিয়ে। सवाल है कि कल एक बच्ची का डेड बॉडी इसी कॉलेज के तालाब के पास मिला था जी। लोगों का तरह तरह मत है, जो ये मृत अवस्था में मिला था, यंगर लड़की थी, ठीक है जी। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पुलिस ने कोई अरेस्ट की है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। इस मामले में आपका क्या डिमांड है और आपका क्या मत है और आप अपना पोस्ट तीनों बात बता दें। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर साबिरा खातून हिना है और मैं रानीगंज TTP कॉलेज में प्रोफेसर हूँ उर्दू की, और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन हूँ, और एक और ओहदा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो पश्चिम बर्धमान लोकल कंप्लेन कमेटी की चेयरपर्सन भी हूँ। और इस कमेटी का काम ये है कि जो सर्विस प्लेस पे लड़कियों के साथ या औरतों के साथ जो ज्यादती होती है किसी भी तरह की, तो वो इस ये में कंप्लेन कर सकती है मेरे पास। उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि आपने जो ये सवाल किया है कि जो एक बच्ची की का डेड बॉडी जो मिला है उस बर्नपुर और क्या कहते हैं बीसी कॉलेज के नजदीक, हाँ जो तालाब है उस तालाब से उसका डेड बॉडी मिला है। कल मैं ये खबर देख रही थी और यकीन जानिए कि किसी भी बच्ची के साथ कुछ होता है, किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो 5 साल की हो या 15 साल की हो या 50 साल की औरत हो, बहुत दुख होता है। आखिर लड़कियां कब तक झेलती रहेंगी ये सब कुछ, कब तक उनके साथ ही अत्याचार होता रहेगा। मान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आता है
उस रिपोर्ट में या तो उसके साथ कोई ज्यादती की गई होगी, रेप किया गया होगा, या कोई दूसरी तरह का मामला अगर होंगे तो उसको कत्ल करके डाल दिया गया होगा। क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि वो अपने घर से उतनी दूर नहाने के लिए उस तालाब में जाए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है किसी ने दुश्मनी निकाली है, लेकिन अगर उतनी छोटी सी बच्ची जो 14-15 साल की है, उस बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वो दुश्मनी घर वालों के साथ अगर है तो हम किसी लड़की पर ही क्यों तुले रहते हैं कि उसी के का बदला ले, लड़की से ही बदला ले, उसी की जान ले। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे खास तौर से पूरे मतलब पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है, लेकिन बंगाल में ये चीज नहीं थी। धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि यहाँ का भी माहौल खराब किया जाए। ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये देखिए फिरका वाराना फसाद फैलाने की साजिश भी हो सकती है कि कोई मुस्लिम लड़की है और इधर उसको मार के फेंका गया दूसरे इलाके में, तो इस तरह की बातें भी हो सकती है। या कोई दूसरा मामला ऐसा भी हो सकता है जो घरेलू ये का मामला हो कि हाँ चलो भाई कोई दुश्मनी है। लेकिन जो कुछ भी हो, किसी भी लड़की के साथ अगर इस तरह की कोई ज्यादती होती है वो इंतहाई शर्मनाक है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितनी भी उसकी ये की जाए, वो कम है। हम तो सख्ती से हम ऐसे लोगों को सख्त सजाएं देनी चाहिए, और हमारे भारतवर्ष में सख्त सजा नहीं दी जा रही है टाइम पर, इसीलिए इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि जी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये तो मकोला बहुत मशहूर है ना कि अगर इंसाफ मिलने में देर होती है तो समझिए कि इंसाफ नहीं मिला। तो ये चीज चूंकि यहाँ पर हो रही है, किसी भी तरह की सख्ती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी हरकतें हो रही हैं, और ये बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक जंगल राज की तरफ हम लोगों को ढकेला जा रहा है। जी फरमाइए और क्या कहना है इस मामले में? आप पुलिस को दोषी ठहराना चाहेंगे जो भी अभी तक 24 घंटा से ज्यादा बीत गया, पुलिस कोई अरेस्ट नहीं की है? जी पुलिस क्या कर, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई अरेस्ट नहीं की है? ये तो बहुत ही खराब बात है। अगर पुलिस ने अभी तक अरेस्टिंग नहीं की है तो ये मतलब समझिए कि बंगाल की पुलिस ऐसी होगी हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ की पुलिस का जो एक अच्छा रोल हम लोगों के सामने रहा है कि फौरन मतलब के जो गिरफ्त में लोग आ जाते हैं अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है, और अब तक पुलिस ने नहीं किए, ये तो मतलब समझ से बाहर है। जल्द से जल्द पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे जो भी हो, किसी का मुंह देखा काम नहीं करना। अगर पुलिस को पता है या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो और तेजी से करे, ताकि जो मजलूम है जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिल सके। वो लड़की तो अब वापस नहीं आने वाली है, लेकिन दूसरी लड़कियां भी बहुत सारी कतार में खड़ी है। तो ऐसा अगर लोगों का मन बढ़ता रहेगा तो वो किसी की लड़की के साथ भी ये हरकतें करेंगे। पुलिस को फौरन हरकत में आना चाहिए। हम डिमांड कर रहे हैं पुलिस से कि वो फौरन से बेहतर अपना काम करे, जल्द से जल्द जो मुजरिम। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट इंग्लिश। आज लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस ने जुलूस निकाला, जिसमें करप्शन के साथ साथ दीगर मांगों की मदद की मांग की। जुलूस में हजारों औरतों और मर्दों ने हिस्सा लिया। ये जुलूस गिरजा मंदिर से शुरू होकर दुर्गा मंदिर तक पहुंची। इसकी क़यादत सीपीएम के जिला सेक्रेटरी गुरैंगो चैटर्जी, पार्थो मुखर्जी, कांग्रेस के तरुण रॉय, एसएम मुस्तफा और दीगर पार्टी के नेताओं ने किया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट इंग्लिश। बाराबनी ब्लॉक में कापिस्टा तृणमूल ने दुर्गा पूजा के मौके पर तकरीबन 400 साड़ियां तकसीम की। बाराबनी के ब्लॉक सदर और मगरबी बर्दवान जिला काउंसिल के मेंबर असीत सिंह को तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। मनोज शर्मा सेक्रेटरी आलोक पाल बाराबनी से इतला दे रहे हैं। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट इंग्लिश। बारानी ब्लॉक में सीआईएसएफ हेडक्वार्टर कमांडर मिथिलेश कुमार के हुकुम पर सीआईएसएफ ने वेनोरा वेस्ट ब्लॉक कोलवरी पर छापा मारा और वेरोना ओपन माइन कोविड से 3 टन चोरी शुदा कोयला जब्त किया। इस जगह से करीब रात दिन कोयला चोरी किया गया है। वेनोरा वेस्ट ब्लॉक के सीआईएसएफ कैंप इंचार्ज एम कालेता की सरबराही में सीआईएसएफ ने कोयला पर कब्जा कर लिया और इसे वेनोरा कोलवरी कोल डिपो पर छोड़ दिया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट इंग्लिश। बरनपुर इस्पात के कर्मचारियों
ने 14 अक्टूबर की शाम इसको के टनल गेट पर पोनस के साथ कई मांगों की सपोर्ट मीटिंग की, जिसमें रविशंकर सिंह, हीरालाल यादव, अमित सिंह, संजीत बैनर्जी, वक्ष गुप्ता, महेश दास, महेश कुमार, भूषण पांडे, सुनील कुमार, विनोद रॉय, मनीष कुमार, विक्रम वर्धन, राजेंद्र यादव, शंभु सिन्हा, सोमनाथ चटर्जी, मनव दत्ता, राधश्याम पांडे, रवि राजक, तापेशिया दास, सैकड़ों कारकनान मौजूद थे। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट इंग्लिश। बाराबनी MLA के एक दाम पर सलानपुर ब्लॉक के मुख्तलिफ देहात में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। बाराबनी के MLA बेदन उपाध्याय ने एक बार फिर अपनी बात बरकरार रखी। मुख्तलिफ देहात का दौरा करते हुए मुकामी लोगों को गलियों में सवार स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत थी। MLA विधान उपाध्याय ने गांव के लोगों से अपना वादा पूरा किया। MLA विधान उपाध्याय के इकदाम के तहत ECL ने सलानपुर के इलाके की CSR फंड से 164 समसी लाइट मुहैया की है और सलानपुर ब्लॉक के कढ़िका, बाथम्बरी, हडला, बसनकिटिया, धनुरी, धगोरी, वृंदाबानी देहात में मजमूई तौर पर 184 समसी लाइट्स लगाई गई हैं। इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस सलानपुर ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह ने बताया कि सलानपुर ब्लॉक के मुख्तलिफ देहात में लोगों को स्ट्रीट लाइट की तलब है, लिहाजा MLA बेदन उपाध्याय के इकदाम पर ECL के CSR फंड से कुल 184 समसी लाइट्स फराहम की गई हैं। काम शुरू हो चुका है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट इंग्लिश। सक्तूड़िया में 14 अक्टूबर को नतुड़िया ब्लॉक के भामोरिया पाथनेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी बजट में कमी के साथ साथ झाड़फूल रास माँ दुर्गा आसे पासे के मौजू पर माँ दुर्गा पूजा पंडाल तामीर कर रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए माँ दुर्गा बुत तैयार किया जा रहा है। COVID-19 के पेश नज़र इस बार सकाफ़ती रसूमात बंद कर दिए गए हैं। 8 कारीगर एक माह से कशिश अंदाज में पवलिन तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। यहां पूजा का 12वां साल है। मालूमात के मुताबिक नतुड़िया पुलिस स्टेशन के इलाके भूरिया पाथनेश्वर दुर्गा पूजा तकरीबन एक दिहाई से जिला पुरुलिया के बड़े बजट पूजा के वस्त में अलग जगह है। कई सालों से यहाँ के पंडाल को जिला के बेहतरीन पंडाल के तौर पर नवाजा गया है, ताहम इस साल कोरोना के हवाले से बहुत से रसूमात मनसूख कर दी गई। पवेलियन सजावट और मुजस्मे के जरिए कोरोना की हालत अच्छी तरह से जाहिर होती है। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारे अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके बीच इंसान को उम्मीद की एक नई किरण मिल जाती है। इस परेशानी के धारे के साथ ही एक बरगद के दरख्त को हरसाने फूलों के दरख्त के शक्ल में सजाया जा रहा है। ये कल्पतारों फूल बनी नू इंसान है और बरगद का दरख्त पूरी दुनिया है, लिहाजा ये कहा जाता है कि झारा फूल रास रस। इस बरगद के दरख्त के नीचे गणेश, कार्तिक, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती इस बीमारी को दुनिया से पाक होने की दुआ कर रहे हैं। इसके साथ ही शीशमल तैयार किया जा रहा है और इस शीश महल के वस्त में माँ दुर्गा का मुजस्मा तैयार किया जा रहा है। माँ दुर्गा शीश महल के अंदर किसी भी सिमत देखने के लिए शहर आएंगी। ऐसा महसूस होगा जैसे माँ हमारे आस पास हैं, इसलिए कहा जाता है माँ दुर्गा आसे पासे। इसके मेमार वीराजान कर्माकर ने बताया कि इस साल दुर्गा पूजा तहमीम को जदीद अंदाज में तैयार किया जा रहा है। हेल्थ सिस्टम के तहत हुनरमंद फनकारों की मदद से महकमा सेहत के तहत तकरीबन एक माह से पवेलियन बुत की तामीर का काम जारी है। बांस, लकड़ी, कागज़, थर्मोकोल, मुख्तलिफ रंग, मिट्टी, शीशा और दीगर मवाद का इलाज किया जा रहा है। पूजा कमेटी के रुकन देवशीष सरकार ने कहा कि पूजा इस साल बहुत कम बजट में की जा रही है। तमाम इंतजामात इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक किए जा रहे हैं। पंडाल में दाखिले के दौरान सेहत के कवानीन और मुआशरती फासलों का ख्याल रखा जाएगा। हंगामी इंतजामात के लिए फायर टेंडर्स और एम्बुलेंसेस दस्तियाब होंगी। रजाकार भी किसी भी मदद के लिए हाजिर होंगे। इस बार सकाफ़ती रसूमात के शोबे में बजट में कमी की जाएगी और कपड़े गरीब पसमानदा लोगों में तकसीम किए जाएंगे। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट इंग्लिश।
आसनसोल डिवीजन में कोविड 19 के साजगार रवैये के लिए बड़े पैमाने पर तहरीक चल रही है। आसनसोल में 14 अक्टूबर को नई आम सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर के साथ खोले गए यानी कोविड 19 दोस्ताना मुनासिब तर्ज अमल महम मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन में स्टेशनों, ट्रेनों और ऑफिस इमारतों में आवेजा पोस्टरों, बैनर्स के जरिए बेदारी का पैगाम फैलाते हुए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ट्रेनों, स्टेशनों और ऑफिस अदारों में जंग और अवामी ऐलानात हो रहे हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए कोविड 19 दोस्ताना मुनासिब तर्ज अमल के पैगाम को आम करने के लिए एक सोशल मीडिया मुहिम भी चल रही है। मास्कों का इस्तेमाल करने, बरादरी के फासले के हुक्मरानी को मानने और हाथों को साफ रखने की ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए कोविड 19 ने 13 अक्टूबर 2020 को समाजी बेदारी मुहिम पर आसनसोल डिवीज़न के मुख्तलिफ महकमों के मुनासिब तर्ज अमल पर वाज़ेह तौर पर रोशनी डाली। इन्होंने कोविड 19 के खिलाफ जारी लड़ाई लड़ने और अपने आसपास के लोगों में बेदारी का पैगाम फैलाने का अज़्म भी किया। जौन आंदोलन कैंपिंग बराए कोविड 19 मंजूर शुदा तर्ज अमल आसनसोल डिवीज़न में जारी है। आसनसोल में 14 अक्टूबर 2020 को एहतियाती तदाबीर से दस्तबदारी के लिए महम चलाएं, बेदारी के पैगाम को आम करने के लिए ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में न्यू नॉर्मल में कोविड 19 का मुनासिब सलूक जारी है। स्टेशनों, ट्रेनों और ऑफिस इमारतों में पोस्टर्स, बैनर लगाए गए हैं। ट्रेनों, स्टेशनों और ऑफिस अदारों में जंगल और अवामी ऐलानात जारी हैं। सोशल मीडिया महम सोशल मीडिया के तमाम पहलुओं को बरोए कार लाते हुए मुनासिब तर्ज अमल का पैगाम भी फैल रहा है। 13 अक्टूबर 2020 को आसनसोल डिवीज़न के मुख्तलिफ महकमों ने कोविड 19 पर मुआशरती बेदारी मुहिम का इनेकाद किया, जिसमें मुआशरती दौरा के बाद मास्क को इस्तेमाल करने और हाथों की सफाई पर दबाव डालने के मुनासिब रवैये को उजागर किया गया था। इन्होंने कोविड 19 के खिलाफ जंग लड़ने और अपने गर्दोनवा के लोगों में बेदारी के पैगाम को आम करने का हल्व भी लिया है। सतिंदर कुमार तिवारी को दूसरों के साथ भी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स के बोर्ड के सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।